यहाँ पर अगर बात की जाए सीएम गहलोत जी की, तो उन्होंने अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि गलत परंपरा को शुरू किया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अजय कुमार लल्लू वहां से विधायक हैं, तो एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी के, और बेवजह किसी की गिरफ्तारी करना ये लोकतंत्र का अपमान है। आपको गिरफ्तारी के कोई कारण होने चाहिए? आप लोकतंत्र में सत्ता में आ सकते हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले सपा की सरकार थी। तो कारण थे ना, वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा था। देखिए, प्रदर्शन करना डेमोक्रेटिक राइट है, और वहाँ इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी, उनका उनका राजनीतिक आधार है, और वो उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट था। एक एमएलए जाता है, पार्टी का प्रेसिडेंट है, अपनी बात रखता है, बसें वहाँ पर खड़ी रहती है, वो वहाँ पर इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया था। आप महामारी के दौरान तो उपयोग नहीं, या तो आप पहले मेरी बात सुन लेंगे पूरी तो ठीक रहेगा। बिल्कुल बोलिए। तो ऐसा अब आप ही आप बोलेंगे तब तो आप भी बोल लेते, मुझे लेने की जरूरत ही नहीं थी लाइन पर। ऐसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रियंका गांधी जी के ट्वीट के बाद ये कहा जी कि हम आपकी बसों को अनुमति दे देंगे, आप बसें भेज दीजिए। उसके बाद बसें भेजी गई, नहीं तो वहाँ भीड़, ना भीड़ लगती ना अजय लल्लू वहां पर जाते। अजय लल्लू को बुलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, बसों को बुलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये जिस तरह की कार्रवाई वहां पर हो रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार को घमंड छोड़कर काम करना चाहिए, अजय लल्लू जी को तुरंत रिहा करना चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जितने दिन वो गिरफ्तार रहेंगे, बीजेपी को समझ लेना चाहिए, इनका घमंड टूट जाएगा। लोगों के समझ में आ रही है कि बीजेपी को ना मजदूर के दर्द से मतलब है, ना उनकी परेशानी से मतलब है, सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, बदले की भावना से मतलब है। आप लोगों की आवाज को गिरफ्तार करके या सरकारी ताकत के दम पर दबा नहीं सकते। जब जब सरकारें जुल्म करती है, तब तब वो आवाज ज्यादा फैलती है। ये आवाज इतनी फैल गई है पूरे देश में कि प्रधानमंत्री को भी आगे बढ़ना चाहिए। एक शब्द अभी तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए कि जब 30 जून तक परमिट की, लाइसेंस की, फिटनेस की डेट बढ़ा दी गई, उसके बाद इनके मंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि गाड़ियों की फिटनेस नहीं है। अरे भैया, 30 जून तक भारत सरकार ने डेट बढ़ा दी है, भारत सरकार के आदेश के बाद, उसके बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और इनमें की गिरफ्तारी करना, ये सब गैरकानूनी है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी जल्दी ही इस मामले में इन लोगों को रिहा करेगी, और रिहा करके अपनी गलती मानेगी और देश की जनता से माफी मांगेगी। मांग क्या करते हैं आप कांग्रेस यहाँ पर सरकार से? हम तो मांग ही मांग कर रहे हैं। हमारे पास है कि हमने मांग कर दी है, हमने बसें पहुंचा दी, हमने हमारा इशू उठा दिया। मांग ये की अजय लल्लू को रिहा किया जाना चाहिए, और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को घमंड छोड़कर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बसें लौटाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह जी, परिवहन मंत्री राजस्थान के हमारे साथ प्रताप सिंह ऑनलाइन पर जुड़े हुए थे। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता